बहुत बहुत स्वागत है। लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डेयरी के बारे में। आइए कि सिस्टर से जानते हैं डेयरी के बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम निम्मू रोहता। कितने टाइम से जुड़े हुए यहाँ पे? हमें तो मेरे को तो खुद को 10 साल हो गए, लेकिन मेरी फैमिली है वो तो कब से जुड़ी हुई है 2014 से। हाँ 10 साल से आ रहे हो करीबन आप। हाँ आप कभी आपने ऐसा कुछ देखा जो 4 साल पहले मीडिया में दिखाया जा रहा था? नहीं, हमने तो कभी कुछ ऐसा देखा नहीं है। बाकी लोगों की मानसिकता खुद की गलत है, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। 4 साल पहले जो मीडिया में दिखाया जा रहा था ऐसा कुछ कभी देखा वैसे आपने? ना, हमने तो कभी कुछ ऐसा देखा नहीं। बाकी लोग है ना वो गलत सोचते हैं, और जिसकी ज्यादा हो जाती है ना भी थोड़ी फेम नेम मिल जाती है, तो वो दूसरों को नीचे गिराने के लिए ना ऐसे काम करते रहते हैं। तो हमने तो पिताजी को कभी ऐसा देखा नहीं। उन्होंने तो हमेशा बेटियों को अपनी बेटी की तरह ही माना है, और उनको उनके लिए शिक्षा बहुत कुछ किया उन्होंने बेटियों के लिए। और आज के युग में अगर वो वैसा हमें कोई मिल जाए ना, तो बेटियों की दिशा बहुत अच्छी बन जाए। संत जी की जरूरत है आज समाज को, बहुत ज़्यादा जरूरत है बेटियों के लिए। तो बहुत अब कौन सा बेटियों के साथ अच्छा हो रहा है? अब कहाँ से अच्छा हो रहा है बेटियों के साथ? बेटियों के साथ पहले की ज़्यादा अब गलत हो रहा है लड़कियों के साथ। समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? समाज में देखो भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, नशे हो रहे हैं, लड़कियों की को इतनी फैसिलिटी नहीं है क्योंकि उनको शिक्षा के दौर से भी पीछे हटाया जा रहा है। और जो जहाँ तक बात करें पिताजी की, जब पिताजी थे तो लड़कियों को स्पोर्ट्स में कितनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती थी। और उनको बोलते हैं ना वो ऐसे बोलते हैं पिताजी वैसे हैं वैसे, पर पिताजी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने गर्ल्स के लिए कितना कुछ कर रखा है। स्पोर्ट्स में वो आगे जाती थी, पढ़ाई में वो आगे जाती थी, कहाँ कहाँ वो खेल के आई हैं। पिताजी ने कहीं उनको ऐसा होने नहीं दिया कि उनके माँ बाप नहीं है वो, उनके लिए उनके माँ बाप, उनके अच्छे फ्रेंड सब बने हैं वो। इसलिए पिताजी की तो कोई गलती है ही नहीं। जो सोचते हैं ना उनके बारे में गलत, वो खुद गलत है। आज सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से ही अपील करना चाहिए क्योंकि जो अपनी जो गंदी सोच है ना वो खोले, उसे बंद करें, क्योंकि वोटों के लिए ये सब नहीं करना चाहिए। और जो इंसान अच्छा है ना उसे अच्छा ही मानना चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया है वो झूठ भी ज़्यादा चल रही है। सच्चाई को दबाया जा रहा है और झूठ को उभारा जा रहा है। अब किसी की एक गलती पता चलती है ना, उसकी एक गलती माफ़ करने की बजाय उसको उस पर और ज़्यादा ब्लेम लगाते हैं भी वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये है रियल फैक्ट जो हमने सूत्रों के हवाले से आपको दिखाने की कोशिश की है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिएगा।